परम पूज्य संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज ने अति विष्णु महायज्ञ के द्वारा अमर शहीदों के त्याग को समाज के लिए एक प्रेरणादायी परंपरा के रूप में परिवर्तित करने का भगीरथ कार्य किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दशकों एवं सदियों तक पौनी की पवित्र धरा पर अमर शहीदों की वीरता को संपूर्ण राष्ट्र का स्नेह कृतज्ञता और सम्मान सदैव मिलता रहेगा। अगस्त 2020 से निरंतर एक प्रगतिशील और आधुनिक जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए ईमानदारी से और निष्ठा से काम किया गया है। अपने नीति निर्माताओं के सपनों को साकार करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने समृद्ध जम्मू कश्मीर की एक कल्पना की, एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसे दशकों तक पुराने भेदभाव और गरीबी के बोझ से छुटकारा दिलाया जा सके, जहां साइंस स्वास्थ्य और शिक्षा की रोशनी अंधेरे को चीरते हुए हर एक इलाके को मुख्य धारा से जोड़ सके। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 4-5 वर्षों में इन सपनों को साकार करने की दिशा में हमने कई पड़ाव पार किए हैं। आज इस पावन अवसर पर हम सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या आने वाले दशक में हम कैसा बदलाव देखना चाहते हैं जम्मू कश्मीर। यदि भविष्य में हम पिछले 4-5 वर्षों की तरह प्रगति हासिल करते रहे, वह दिन दूर नहीं है जब जम्मू कश्मीर विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होगा।